हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद बिजनौर के गांव शालीपुर उर्फ मदनपुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर साउंड प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत उतारने के आदेश के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर गांव में दोनों धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर उतार दिए। इस दौरान गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन बिना किसी विरोध के दोनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए। बिजनौर के गांव शालीपुर उर्फ मदनपुर में मस्जिद और मंदिर दोनों पर बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर लगे थे, जो नमाज और आरती के समय बजते थे। इसी से परेशान होकर गांव के शौकत अली ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट पहले प्रशासन से जानकारी मांगी कि क्या इन दोनों के पास लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है या नहीं। प्रशासन द्वारा किसी पर भी अनुमति न होने की रिपोर्ट मिलने के बाद उच्च न्यायालय ने दोपहर 2 बजे तक प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के तहत दोनों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही एसपी सिटी दिनेश सिंह और एसडीएम नजीबाबाद और सीओ नजीबाबाद बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर गांव में पहुंचे और दोनों पक्षों को अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किरपुर थाने पर फायर ब्रिगेड सहित रिजर्व फोर्स भी तैनात किया गया। किरपुर के मदनपुरा में तनाव का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? तनाव का मामला नहीं है, ये माननीय उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के क्रम में यह आदेश किया है कि पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट की अनुमति के बिना जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको हटवा करके 2 बजे तक माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाए, जिससे आदेश का अनुपालन कराया जाए। इसमें कोई तनाव की स्थिति नहीं, उभय पक्षों को बुलाकर माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत करा दिया गया है और वो अपना हटा रहे। हमने सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने पास व्यवस्था कर रखी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।